हरे कृष्णा, सबका स्वागत है शाम का भगवत गीता सेशन में। वेलकम एवरीबॉडी फॉर द इवनिंग भगवत गीता सेशन 8 to 9 PM। बिफोर वी बिगिन द सेशन, लेट अस ऑफर आवर प्रेयर्स टू श्रील प्रभुपाद। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जाय, श्री श्री नितय गौरंग की जाय, श्रील प्रभु पाद की जाय, श्रीमद् भगवत गीता की जय। तो सबको फिर से स्वागत है आज के शाम का भगवत गीता सेशन में। वी हैव बीन रीडिंग चैप्टर 4 एंड वी हैव कंप्लीटेड अप टू वर्स नंबर 34। जस्ट गिव अ शॉर्ट रिकैप ऑफ व्हाट वी हैव अंडरस्टूड सो फार। अब तक हमने जो समझा है थोड़ा संक्षिप्त में समझ लेंगे। तो भगवान इस अध्याय में, फोर्थ चैप्टर में, दिव्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। तो शुरुआत के जो श्लोकों में भगवान ने हमें अपने बारे में, भगवान कृष्ण के बारे में, अपने बारे में भगवान ने अपना दिव्य स्वभाव, दिव्य जन्म, दिव्य कार्य, लॉर्ड हैज गिवन कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग अबाउट हिज ट्रांसेंडेंटल बर्थ, ट्रांसेंडेंटल एक्टिविटीज, ट्रांसेंडेंटल various features of his personality in the initial verses of this chapter. उसके बाद भगवान ने हमें समझाया है कि हम इस भौतिक संसार में हैं, हमें किस तरीके से इस भौतिक संसार से बाहर निकलना है, क्योंकि हम वास्तव में भगवत धाम से बिलोंग करते हैं, हम भगवान के अंश हैं और भगवान के नित्य भक्त हैं। जीवेर स्वरूप नित्य कृष्ण दासा, जितने महाप्रभु बोलते हैं कि हम भगवान के अंश हैं और भगवत धाम से बिलोंग करते हैं, हमें फिर से भगवत धाम लौटना है, राइट। एंड लॉर्ड कृष्णा वॉज हैज गिवन दिस अश्योरेंस दैट वी रिटर्न बैक टू दिस वर्ल्ड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, वे सिंपल प्रोसेस। भगवान से लॉर्ड कृष्णा से जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना, इज व्हाट कृष्णा मेंशंस। सो कृष्णा वेरी क्लियरली सेज दैट आवर बर्थ एक्टिविटीज एंड कृष्णास बर्थ एंड एक्टिविटीज आर ट्रांसेंडेंटल, एंड जस्ट अंडरस्टैंडिंग देम, भगवान के जन्म कर्म और उनके जो उपदेश हैं तत्वतः जान लेते हैं, तो ये हमें भगवत धाम लौटने का एक बहुत आसान साधन हो जाएगा, वेरी इजी मेथड। भगवान बोलते हैं त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति, विल कम बैक टू मी। सो दिस इज द होल पर्पस ऑफ कृष्णास गिविंग दिस ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। स्वयं भगवान अपने बारे में अपने दिव्य ज्ञान हमें प्रदान कर रहे हैं, सो दैट वी विल गेट बेनिफिट एंड वी विल गो बैक टू कृष्णास स्पिरिचुअल वर्ल्ड विच where we originally belong to. This is the whole purpose. और जब हम इस भौतिक संसार में हैं, इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, भगवत धाम जाने का जो उद्देश्य पूरा करने के लिए, हमारे जो कर्मों को, हमारे जो कार्यों को, हमारा एक्टिविटीज को किस तरीके से हमें ऑर्गेनाइज करना है, इसके बारे में भगवान समझा रहे थे। एंड स्पेसिफिकली कृष्णा सेड ऑल आवर एक्टिविटीज शुड बी इन द फॉर्म ऑफ यज्ञ, सभी जो कार्य करते हैं वो यज्ञ के स्वरूप में होना है। यज्ञ यानी कि जो कार्य भगवान को संतृप्त करेगा, इस भौतिक संसार के संबंध में हम ऐसे कार्य कर रहे हैं जो केवल हमारे इंद्र तृप्ति के लिए कर रहे हैं और हमारे बंधन का कारण बन रहा है वो सभी कार्य, राइट। वी आर एंटैंगलिंग अवर सेल्फ इन सो मेनी एक्टिविटीज दैट इट इज कंटिन्यूइंग अवर मेटेरियल एग्जिस्टेंस। भौतिक संसार में फिर से हमें जन्म ले रहे हैं, बहुत बार अलग अलग योनियों में जन्म ले रहे हैं, ये कारण
हो गया है इस भौतिक संसार में, हमारा इस भौतिक कार्यों का जो हमारा तरफ से हमारा तरीके से हम जो कार्य कर रहे हैं। सो कृष्णा वॉन्ट्स अस टू वर्क इन ए पर्टिकुलर फैशन। भगवान हमें 18th वर्स में इस चैप्टर के 18th वर्स में क्या बताते हैं, कर्मण अकर्म यह पश्येत अकर्मणी च कर्म यह। कृष्णा गिव्स अ प्रिंसिपल नोन एज वी हैव टू वर्क इन द वे ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस नोन एज अकर्म। एक तरीके का जो कर्म हमें करना है, अकर्मा एक्टिविटीज, अकर्मा मीन्स एक्टिविटीज एज डायरेक्टेड बाय कृष्णा इन भगवत गीता। गीता में भगवान किस तरीके से हमें अपने कार्य करना है, कार्य यानी किसी एक्टिविटीज आर नॉट सिंपली ग्रॉस एक्टिविटीज ऑफ द सेंसेस, इट इज इट ऑल्सो इन्वॉल्व योर माइंड इंटेलिजेंस, बुद्धि, हमारा मन, हमारे सभी इंद्रियों का साथ में हम कार्य करते हैं। तो किस तरीके से हमें एक्शन करना है, वो एक्शन कृष्णा कॉन्शियसनेस वे में करना है, कृष्णा भावनामृत में करना है, इसके बारे में भगवान हमें समझाते हैं। नेक्स्ट, तो सभी कार्य अकर्म यानी कि एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस में होना है। देन कृष्णा सेस दैट दिस विल रिलीव यू फ्रॉम दिस बॉन्डेज ऑफ साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। और ये कार्य जो है हमें कोई पाप जो रिएक्शन जो है सिंफुल रिएक्शन हमें नहीं लगेगा। इस तरीके से भगवान हमें समझाते हैं कि हमारा कार्य इस तरीके से होने से हम आध्यात्मिक स्तर पे आ जाते हैं। स युक्त कृष्ण कर्मकृत युक्त, भगवान बोलते हैं हम आध्यात्मिक स्तर पे आना है, हमें पोजिशन में आना है वेयर वी एक्चुअली बिलोंग टू, राइट। सो डज द होल पर्पस एंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ यज्ञास वेर मेंशन्ड बाय कृष्णा। द पर्पस ऑफ यज्ञ फाइनली इज टू सी दैट वी कम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ नॉलेज। तभी यज्ञ का जो वैरायटीज ऑफ यज्ञ भगवान ने समझाया हमको, उसका उद्देश्य क्या है, ज्ञाने परिसमाप्यते, वर्स नंबर 33। कृष्णा बोलते हैं कि सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते, द सैक्रिफाइस ऑफ ऑल वर्क शुड कल्टीमेट शुड कल्मिनेट इन ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। जो यज्ञ अलग अलग तरीके के यज्ञ विधि विधान है उनका जो फाइनल रिजल्ट क्या होना है कि एक आदमी में वो आध्यात्मिक ज्ञान दिव्य ज्ञान प्रकाश होना है, दिव्य ज्ञान उसमें उदय होना है, उनके हृदय मन में उदय होना है। हम केवल यज्ञों को एक रिचुअल जैसा करेंगे, एक तरीके का पूजा कर रहे हैं उसका कुछ ऐसे ही एक तरीके का जो कार्य जो विधि विधान कर रहे हैं और उसके जो रिजल्ट में आपको ज्ञान उदय नहीं होगा, देन दैट इज नॉट ए पर्पज ऑफ यज्ञ परफॉर्मेंस ऑफ यज्ञ। रूपा जी समझाते हैं हमको कि केवल भौतिक स्तर पे हम जब यज्ञ करेंगे तो वो मेटेरियल एक्टिविटी रह जाएगा, भौतिक कार्य रह जाएगा और उसका कोई फायदा नहीं रहेगा। सो एक्टिविटीज शुड लीड यू टू अवेकनिंग ऑफ योर रियल नॉलेज। जैसे हमने समझा लास्ट टाइम कृष्णा कॉन्शियसनेस में, जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने हमें समझाया है, चैंटिंग हरे कृष्णा, चैंटिंग हरे कृष्णा से क्या होगा, हरे कृष्णा चैंटिंग एक यज्ञ है, विशेषकर कलयुग में ये ऐसा यज्ञ है, एक युग धर्म है कलयुग का। केवल हमें चैंटिंग हरे कृष्णा करने से विल गेट द परफेक्शन ऑफ लाइफ। एंड द फर्स्ट इफेक्ट ऑफ चैंटिंग इज, चैंटिंग करने का पहला इफेक्ट क्या है, चेतो दर्पण मार्जनम, राइट, योर हार्ट विल बिकम क्लेंस्ड, व्हिच मींस बिकॉज योर नॉलेज रियल नॉलेज अवेकन्स इन योर हार्ट एंड द हार्ट बिकम्स क्लेंस्ड। हमारा मन का शुद्धिकरण होगा, हमारा मन में आध्यात्मिक ज्ञान जो है उदय होगा। This is what we understood, and Krishna also mentioned in verse number 34 that इस तरीके से हमें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए, विशेषकर directions किस तरीके से यज्ञ करने, उसको directions लेने के लिए, उसका जो मार्गदर्शन लेने के लिए हमें एक सद्गुरु के शरण में आना है। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। भगवान बोलते हैं हमें प्रणिपात, हमें एक सद्गुरु का शरण में आना है और वो सद्गुरु वास्तव में तत्वदर्शी है, कि सीन द ट्रूथ, तत्व का उनका दर्शन हुआ है, यानी कि ही हैज रियलाइज द ट्रूथ, ही इज लिविंग द लाइफ ऑफ दैट एब्सोल्यूट ट्रूथ। और प्रणिपातेन परिप्रश्नेन, हमें एक सद्गुरु का शरण में आके उनका उनके साथ विनम्रता से प्रश्न करना है, आध्यात्मिक
ज्ञान में किस तरीके से आगे बढ़ना है, आध्यात्मिक जीवन में किस तरीके से आगे बढ़ना है, प्रश्न करना है, और ये सब कुछ हमें सेवा भाव में करना है। तो इस तरीके का जो डायरेक्शंस भगवान ने दिया, और जब सदगुरु बोनोफाइड स्पिरिचुअल मास्टर जो है वो सेटिस्फाई हो जाते हैं, देन ही विल रिवील द नॉलेज टू अस, ही विल बेस्टो मर्सी ऑन अस। कल लास्ट टाइम हमने एक प्रिंसिपल स्टडी किया था, सेटिस्फैक्शन ऑफ सेल्फ रियलाइज स्पिरिचुअल मास्टर इज द सीक्रेट ऑफ एडवांसमेंट इन स्पिरिचुअल लाइफ। यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, भगवान के शुद्ध भक्त का संतृप्ति हुआ, यानी कि हम उसको सेटिस्फाई करेंगे उनको, तो वो हमें दिव्य ज्ञान प्रदान करेंगे। इट इज अ सीक्रेट, इट इज एग्जैक्टली व्हाट श्रील प्रभुपाद डिड इन हिज लाइफ। पूरा जीवन भर ने भर जो है प्रभुपाद जी ने एक ही उनका उद्देश्य था, उन्होंने एक ही प्रश्न पूछा अपने गुरु महाराज से, हाउ कैन आई सर्व यू, मैं आपका सेवा किस तरीके से करूं, मुझे ऑलरेडी प्रभुपाद जी पूर्ण शरणागत थे अपने गुरु महाराज के प्रति, और किस तरीके से मैं सेवा करूं, ये भावना हर शिष्य में आना है। दिस इज द राइट एटीट्यूड ऑफ अ डिसाइपल टू टेक शेल्टर ऑफ अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर एंड मूव फॉरवर्ड इन स्पिरिचुअल लाइफ, दैट इज द होल पॉइंट। सो इन दैट वे कृष्णा वेरी क्लियरली एम्फैटिकली सेड, सरेंडरिंग टू हिज रिप्रेजेंटेटिव, भगवान के जो प्रतिनिधि हैं, साक्षात जो गुरु हैं, उनके शरणागति में आके हमें आध्यात्मिक ज्ञान का जो जो हमें अर्जन करना है, यू टेक यू शुड रिसीव द नॉलेज फ्रॉम ए स्पिरिचुअल मास्टर, बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, एंड द मूड ऑफ द डिसाइपल शुड बी प्रणिपात, परिप्रश्न एंड सेवा, सरेंडर, सबमिसिव इंक्वायरीज एंड सर्विस एटीट्यूड, शरणागति और विनम्रता से प्रश्न पूछना और सेवा भाव इंपॉर्टेंट है आध्यात्मिक जीवन में। तो प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छी तरीके से हमें समझाया कि ए बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर इज बाय नेचर वेरी काइंड टुवर्ड्स हिज डिसाइपल, एंड देयरफॉर द स्टूडेंट इज सबमिसिव एंड ऑलवेज रेडी टू रेंडर सर्विस, द रेसिप्रोकेशन ऑफ नॉलेज एंड इंक्वायरीज बिकम्स परफेक्ट। एक सदगुरु जो है अपने शिष्य के प्रति बहुत करुणामयी होते हैं, दयालु होते हैं। जब एक भक्त, एक शिष्य पूरा विनम्रता से सेवा भाव में एक गुरु के निर्देशन पर अपना सेवा करें करते रहेंगे, तो सदगुरु जो है हमें ज्ञान प्रदान करेंगे और भक्ति में आगे बढ़ने का पूरा मार्गदर्शन करेंगे, पूरा हमें ब्लेसिंग्स मिलेगा। नाउ कृष्णा विल टेल इन द नेक्स्ट वर्स विच वी आर गोइंग टू रीड टुडे, 35th वर्स ऑनवर्ड्स वी विल सी कृष्णा इज गोइंग टू टेल अस द वंडरफुल इफेक्ट्स ऑफ रिसीविंग ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। दिव्य ज्ञान जब हमें प्राप्त होगा तो उसका इफेक्ट क्या होगा, उसके बारे में भगवान अभी समझाएंगे हमको नेक्स्ट वर्सेस में। अंटिल द लास्ट ऑफ द एंड ऑफ दिस चैप्टर कृष्णा इज गोइंग टू ग्लोरीफाई द इफेक्ट्स ऑफ ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। हमें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ है और इससे क्या इफेक्ट है एक व्यक्ति में, उसका लाइफ में और पूरा संसार में उसका क्या इफेक्ट होगा, प्रभुपाद जी हमें, भगवान हमें समझाते हैं, प्रभुपाद जी अच्छे पर्पस में हमें समझाते हैं। तो विल रीड द 35th वर्स नाउ। यस, दिस इज द वर्स, वर्स 35। यज्ञात्मन पुनर्मोहम एवं व्यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषाणि द्रक्षस्यात्मनि अथोमयि। When you have thus learned the truth, you will know that all living beings are but part of me, and they are in me and are mine. Very wonderful revelation Krishna is making. Yajnatvana punarmoham, Bhagwan bolte hain, jab hum aisa adhyatmik gyan prapt karenge ek sadguru ke kripa se, Bhagwan ki kripa se, to hum fir se moh mein nahi padenge, will not be again falling into illusion. And once you know this, when you have proper understanding, what will be the effect or what will be the result of this knowledge? Ye pura gyan aapko aapne theek se samajh liya, iska effect kya hai? Then you understand that yena bhutan asheshani drakshasi atmani athomai. Hum samajh jayenge ki sabhi jivatma bhagwan ke ansh hai. भगवान के साथ हमारा बहुत घनिष्ठ संबंध है,
We are all intimately connected with Krishna. We are part and parcel of Krishna. भगवान आगे बोलते हैं, they are in me. हम सब भगवान के शेल्टर में हैं, भगवान के आश्रय में हैं, हम समझ जाएंगे. हम भगवान के हैं, हम भगवान कृष्ण के हैं. इसलिए हम बोलते हैं, ये मेरा हाथ है, ये मेरा है. इसी तरीके से हम सब भगवान कृष्ण के हैं. हम भगवान कृष्ण के साथ, हम भगवान कृष्ण के बिलोंग करते हैं. उनके उनके साथ बहुत हमारा क्लोज रिलेशनशिप है. ये बात हम समझ जाएंगे. It's a very important revelation Krishna is making here, because the effect of getting the proper knowledge from Bhagavad Gita, Krishna's understanding, Guru's revelation. See, Bhagavad Gita knowledge jo hai, hum apne aap samajh nahi payenge. Hame ek shuddh bhakt ke madhyam se hi Bhagavad Gita ko samajhna hai. This is the important instruction in Bhagavad Gita which Krishna is revealing in this chapter. Inshallah, Prabhupada ji hame Gita ke prarambh mein hi ye baat samjha diya hai. वेरी फर्स्ट वर्स परपट में प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वन शुड रीड भगवत गीता वेरी स्क्रूटिनाइजिंगली विद द हेल्प ऑफ अ पर्सन हु इज अ डिवोटी ऑफ श्री कृष्णा. हमें भगवत गीता समझना है तो हमें भगवत गीता को भगवान के शुद्ध भक्त के माध्यम से ही समझना है. और कोई दूसरा माध्यम से हम समझ नहीं सकते हैं, समझ नहीं पाते हैं. और जैसे हमें समझना है, कोई अपने व्यक्तिगत उद्देश्य को रखते हुए नहीं समझना है, व्यक्तिगत उद्देश्य को दूर रखना है, इससे अतिरिक्त हमें समझना है. इसे हमने समझा इसी अध्याय के फोर्थ चैप्टर के 19th वर्स में. क्या बोलते हैं भगवान, यस्य सर्वे समारंभ काम संकल्प वर्जिता. आवर एवरी एक्शन शुड बी डिवॉइड ऑफ डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन. हमारा हर कार्य कोई जो जो इंद्रिय तृप्ति के उद्देश्य से अतिरिक्त होना है. अन्याभिलाषिता शून्यम, ये बात है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर अंडरस्टैंडिंग गीता, बिकॉज पीपल रीड गीता, सो मेनी पीपल ट्राई टू यू नो अंडरस्टैंड गीता, बट नोबडी कैन अंडरस्टैंड एंटर इनटू द मिस्ट्री ऑफ गीतास अंडरस्टैंडिंग. ये बात है. भगवत गीता का जो रहस्य में प्रवेश करना, वो सबके लिए संभव नहीं है. वो केवल जब हम भगवान के शुद्ध भक्त के माध्यम से गीता का समझने का कोशिश है, तो हम उनके कृपा से, शुद्ध भक्त के कृपा से, जैसे श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से, हम भगवत गीता के जो रहस्य ज्ञान के अंदर प्रवेश कर सकते हैं. प्रभुपाद जी हम एग्जाम्पल देते हैं एक हनी बॉटल का. हनी बॉटल के बाहर से आप कितने भी जो उसको चखते रहे, गो ऑन यू नो लिकिंग द हनी बॉटल फ्रॉम आउटसाइड, कैन यू गेट द हनी टेस्ट? नो, नॉट पॉसिबल. जब तक आपको हनी बॉटल ओपन करके आपको उंगली अंदर डालेंगे और उसको हनी लेके चखेंगे, तभी आपको हनी का स्वाद आएगा, मधु का स्वाद आएगा. यही इसी तरीके से भगवत गीता ज्ञान जो है वो रहस्य ज्ञान है. जैसे भगवान ने इसी अध्याय में बता दिया है, अर्जुन को क्या बोला उन्होंने, भक्तोसिमे सखा चेति रहस्यमेतद उत्तमो. अर्जुन, तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे सखा हो, इसलिए तुम्हें ये रहस्य ज्ञान प्रदान कर रहा हूं. I am revealing this secret, mysterious knowledge to you, Arjuna, because you are my devotee and dear friend. So our Bhagavad Gita knowledge is not that we can understand so easily. And the effect or the result of this knowledge is what? Krishna is telling us here. Gita ka gyan ka jo essence kya hai, uska saar kya hai, hum ye samajh jayenge ki hum Bhagwan ke hain, hum Bhagwan ke saath belong karte hain, hum Bhagwan ke ansh hain. हम वास्तव में भगवान के पूरे इस संसार में हैं. ये संसार भगवान का है, ये ज्ञान हमें आएगा. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रेवलेशन व्हिच कृष्णा इज मेकिंग हियर. ओके, एंड वंस यू गेट दिस नॉलेज, भगवान बोलते हैं, ये ज्ञात्व न पुनर्मोहम. हम फिर से इस मोह में नहीं पड़ेंगे. विल नॉट कम अंडर दिस इल्यूजन दैट आई एम डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा. राइट नाउ व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग ऑल ऑफ अस हैव, आई डोंट हैव एनी कनेक्शन विद कृष्णा, आई डोंट नो हु इज कृष्णा. ऐसा जो भावना में हमारा अभी लाइफ चल रहा है, यू हैविंग कंसेप्शन ऑफ लाइफ वेरिन वी डोंट इवन फील फॉर कृष्णा, डोंट हैव एनी कनेक्शन विद कृष्णा. बट व्हेन वी गेट अ मर्सी ऑफ प्योर डिवोटी, बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, एक शुद्ध भक्त का कृपा हमें मिलेगा, जिनके माध्यम से भगवान कृष्ण का कृपा हमें मिलेगा, तो हमें ये ज्ञान हमारे हृदय से प्रकाशित होगा. दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो. हर दिन हम गुरु पूजा में सुबह
ये कीर्तन करते हैं श्री प्रभुपाद जी गुरु गुरु महाराज को, कि हम हमें भगवान एक प्रभुपाद जी के माध्यम से हमें ये ज्ञान मिला है। ये ज्ञान क्या है कि हम भगवान के साथ, भगवान से संबंधित हैं, हम हमारा संबंध भगवान के साथ है, वो भूल गए हैं हम, उसको फिर से गुरु सदगुरु श्री प्रभुपाद जी हमें उसे याद कराए हैं, उसे फिर से हमें हमारा ज्ञान जागृत कराया है। दैट इज द पॉइंट। सो वी विल रीड द पर्पट, वेरी वंडरफुल पर्पट। The result of receiving knowledge from a self-realized soul or one who knows things as they are is learning that all living beings are parts and parcels of the Supreme Personality of Godhead, Lord Shri Krishna. This is the essence of all the understanding. हमें संबंध ज्ञान, हम कौन है वास्तव में, ये पता चलेगा। Otherwise, right now, what is our identity? You will say, I am man, I am woman, I am belonging to this family, my profession is this, I belong to this place, so many identities you will give. अपना बहुत सारे पहचान हम देंगे सब लोगों को, बट वही पहचान जो है वो बदलते रहेगा। वास्तव में हमारा पहचान क्या है? What is my designation? What is my identity? We are in actually identity crisis always, right? Just maybe I am retiring next year. Right now I am an officer or some position designation I have. Next year I am retired. Which means designations or your positions, identities keep changing every now and then. Your age is going on, increasing every day. So which means what you are today will not be the same tomorrow. But we have eternal position as we are belonging to Krishna. We are part and parcel of Krishna. Bhagavan bhi bolte hain, aage 15 chapter mein. Mamaivamsh jiva loke jiva bhuta sanatanah. We are eternally part and parcel of Krishna, eternally connected to Krishna. So this understanding is an important revelation in the whole spiritual, beginning of our knowledge. Spiritual knowledge में, आध्यात्मिक ज्ञान में ये जो ज्ञान है, हम भगवान के साथ संबंधित हैं, भगवान हम भगवान के अंश हैं, ये very important knowledge, fundamental knowledge है। Okay, so next, the sense of a separated existence from Krishna is called Maya. मोह, माया मोह, यानी कि जब हम समझते हैं कि हम हमारे भगवान के साथ कोई संबंध नहीं, इसको मोह बोलते हैं, माया बोलते हैं। समथिंग दैट वी हैव नथिंग टू डू विद कृष्णा एंड कृष्णा इज ओनली ग्रेट हिस्टोरिकल पर्सनालिटी एंड दैट द एब्सोल्यूट इज अ इम्पर्सनल ब्राह्मण। देखिए कितने सारे गलत फहमियां फैले हुए हैं पूरा संसार में। कुछ लोग सोचते हैं कि भगवान कृष्ण के साथ हमारा कुछ लेना देना नहीं है, कृष्ण एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व है और वास्तव में परम सत्य वो निराकार ब्राह्मण है। ये उनका जो फिलॉसफी है, वो सारे ऐसे डॉक्ट्रिन्स हैं, फिलॉसफीज हैं, वो सारे तत्व दर्शन आ गए हैं कि भगवान को एक साधारण व्यक्ति तरीके से मानते हैं। परंतु इस अध्याय का जो हम अभी श्लोक का जो अध्ययन किया है, इससे स्पष्ट साबित होता है कि भगवान साधारण व्यक्ति नहीं है, वो दिव्य व्यक्तित्व है, दिव्य पुरुष है, वो हमारे जैसे साधारण आदमी नहीं है, राइट? सो देयर इज मिसकंसेप्शन दैट कृष्णा इज ऑर्डिनरी पर्सन, कृष्णा इज हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी। अल्टीमेटली गॉड मीन्स एब्सोल्यूट ट्रूथ मीन्स निराकार ब्रह्म। दिस इज अ रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग। फैक्चुअली एज इट इज स्टेटेड इन द भगवत गीता, आई एम कंटिन्यू टू रीड द पार्ट, फैक्चुअली एज इट इज स्टेटेड इन द भगवत गीता, दिस इम्पर्सनल ब्राह्मण इज द पर्सनल एफल्जेंस ऑफ कृष्णा। आगे हम पढ़ेंगे 14 चैप्टर में भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम्। इम्पर्सनल ब्राह्मण जो है वास्तव में भगवान का एक अभिव्यक्ति है, वन ऑफ द मैनिफेस्टेशंस ऑफ कृष्णास पर्सनालिटी। इट इज द एफल्जेंस कमिंग आउट ऑफ द बॉडी ऑफ कृष्णा। कृष्णा हैज मेनी मैनिफेस्टेशंस, मेनली 3 मैनिफेस्टेशंस। भागवतम सेस वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द्यते। दिस इज द एक्सप्लेनेशन गिवन इन द भागवत। व्हाट डज इट से? द ग्रेट वेदांतिस्ट हु हैव रियलाइज्ड द ट्रूथ। देखिए वदन्ति तत्त्वविदं यज्ञात्वं, जैसे इस तरह इस पिछले श्लोक में हमने समझा था 34th श्लोक में कि तत्वदर्शी भी मीन्स द सीयर्स ऑफ ट्रूथ हैव रियलाइज्ड। व्हाट दे हैव रियलाइज्ड? That Lord Krishna, Supreme Personality, has 3 manifestations.
वन इज कॉल्ड ब्रह्मन, इम्पर्सनल ब्रह्मन, जो भगवान के शरीर से तेज निकलता है, एफल्जेंस निकलता है, उसको बोलते हैं ब्रह्म ज्योति। और भगवान हर जीवात्मा के हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है, ना केवल जीवात्मा, हर जीवात्मा के हृदय में, बल्कि हर कण कण में। अंडांतरस्त परमाणु चयांतरस्थम, ब्रह्मा जी बोलते हैं हर एटम में, हर कण कण में भगवान परमात्मा के रूप में उपस्थित हैं, और हर जीवात्मा के साथ तो परमात्मा के रूप में ऑलरेडी विराजमान हैं। तो ये परमात्मा एक और फीचर है भगवान का। ब्रह्मन शरीर का तेज है, भगवान का शरीर का तेज है, परमात्मा भगवान का जो एक विस्तरण है, जो हर जीवात्मा हर कण कण में भगवान है। और स्वयं भगवान अपने स्वरूप में आध्यात्मिक आकाश में है, आध्यात्मिक लोक में है। लॉर्ड इन हिज ओरिजिनल स्पिरिचुअल पर्सनल बॉडी कृष्णा इज सिचुएटेड एज भगवान, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, दिस इज द अंडरस्टैंडिंग। ओके, सो दिस इज व्हाट प्रभुपाद इज सेलिंग, दिस पीपल मिसअंडरस्टैंड दैट एब्सोल्यूट ट्रूथ और गॉड मीन्स इम्पर्सनल ब्रह्मन। इम्पर्सनल ब्रह्मन इज ओनली वन ऑफ द फीचर्स ऑफ कृष्णा। ठीक है, factually as it is stated in this Bhagavad Gita, this impersonal Brahman is a personal effulgence of Krishna. Krishna as a supreme personality of Godhead is the cause of everything, sarva karana karanam. In the Brahma Samhita it is clearly stated that Krishna is the supreme personality of Godhead, the cause of all causes. Brahma ji prarthana karte hain pratham shlok mein, Brahma Samhita mein Brahma ji bolte hain Ishvara parama Krishna sachidananda vigraha anadiradir govinda sarva karana karanam। भगवान कृष्ण सर्व कारण कारण है, उनका कोई आदि नहीं है, वो सबका आदि है। He has no origin, he is the cause of all causes, he is the origin of everything, Krishna Brahma says. So this is the definition of Krishna. Even the millions of incarnations are only his different expansions. असंख्यात जो अवतार आते हैं, जिसे हमने इसी अध्याय में समझा है, केवल भगवान के ही कुछ विस्तरण हैं। अनंत रूपम अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम, ब्रह्मा जी फिर से बोलते हैं प्रार्थना करते हुए भगवान कृष्ण का, कि भगवान के अनंत रूप हैं, अनंत अवतार हैं। सिमिलरली लिविंग एंटिटीज आल्सो आर एक्सपेंशंस ऑफ कृष्णा, हम भी भगवान के ही विस्तरण हैं, भगवान की एक्सपेंशन है, परंतु हमारा जो कैटेगरी है वो अलग है, हमें जीव तत्व बोला जाता है, और भगवान के जो एक्सपेंशन हैं, भगवान के जो विस्तरण हैं, उनको विष्णु तत्व बोलते हैं। The Mayavadi philosophers wrongly think that Krishna loses his own separate existence in his many expansions. Mayavadi tattva, Mayavadi bolke kuch transcendentalists hain, jo spiritualists hain, adhyatmikvadi hain, unka tattva kuch alag hi hai. Wo bolte hain ki Bhagwan Krishna jab avatar lete hain, to apna astitv wo kho baithte hain. Jab vistrit ho jate hain, तो अपना उनका अस्तित्व नहीं रहेगा, वो निराकार हो जाते हैं, ऐसा बोलते हैं। तो ये गलत है, क्योंकि भगवान कितने भी विस्तृत विस्तरण वो होंगे, अपने अस्तित्व का हमेशा वो बना के रखेंगे। हाउ मेनी अवर एक्सपेंशंस कम फ्रॉम कृष्णा, क्योंकि हम भी भगवान के ही अंश हैं, क्योंकि हमारा भौतिक अनुभव क्या है, भौतिक अनुभव वी हैव एक्सपीरियंस इन द मटेरियल वर्ल्ड दैट थिंग व्हेन फ्रैगमेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड लूजर्स इट्स ओरिजिनल आइडेंटिटी। हमारा भौतिक अनुभव में जब कोई भौतिक वस्तु उसको हम यूज कर लिया, तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे एक पेपर को लिया आपने और उसको तोड़ दिया, उसको काट, उसको पूरा जो है पीसेस कर दिया, तो पेपर पेपर बना नहीं रहेगा ना, अभी पीसेस बन गया। तो ये हमारा भौतिक विचार है, ये हमारा भौतिक जो है अंडरस्टैंडिंग है, परंतु भगवान को ये भौतिक विचार लागू नहीं होता है। दिस मेटेरियल वे ऑफ थिंकिंग इज नॉट एप्लीकेबल टू कृष्णा, दिस इज व्हाट कृष्णा प्रभुपाद वांट्स टू एक्सप्लेन। भगवान हमारे जैसे साधारण व्यक्ति नहीं है, हमारे जैसे साधारण जो है आदमी नहीं है। यहाँ तक कि भगवान आत्मा के बारे में बोला है, क्या बोला है सेकेंड चैप्टर में, अच्छेद्योयम अदाख्योयम। भगवान बोलते हैं कि आत्मा को हम उसका छेद नहीं कर सकते, वी कैनॉट cut into pieces, we cannot burn atma, we cannot moisten the atma. Atma is, you know, invisible and it is, you know, immutable. Atma jo hai hamara
जो विजन हमारा जो देखने का शक्ति से बाहर है, अचिंत्य है, और उसको हम काट नहीं सकते हैं। वो भौतिक चीज नहीं कि हम उसे काटेंगे। और हम भगवान के साथ थे, अभी कट गए हैं और इधर आ गए हैं, ऐसा बात नहीं है, सेपरेट हो गए हैं। ये गलत विचार है, क्योंकि बहुत सारे जो भौतिक विचारों को, भौतिक तरीके के जो हमारा अनुभव है, उसको हम भगवान के जो संबंध में उसी को एक्सटेंड करना, वो गलत है। तो भगवान कृष्ण अलग अलग जो अवतार में विस्तृत हो गए हैं, तो भगवान कृष्ण अपने अस्तित्व को खो बैठे हैं, ये गलत विचार है। मायावादी ऐसे बोलते हैं, प्रभुपाद जी ये बात हमें पॉइंट आउट कर रहे हैं कि ये गलत विचार है, क्योंकि हमारा भौतिक एक्सपीरियंस हमें ऐसे सोचने के लिए मजबूर कर रहा है। परंतु भगवान जो है उनका अस्तित्व कुछ अलग है। प्रभुपाद जी हमें बहुत बढ़िया बात बताते हैं, मायावादी फिलोसफर्स फेल टू अंडरस्टैंड दैट एब्सोल्यूट ट्रूथ मींस दैट 1+1 इज इक्वल टू 1 एंड 1-1 इज इक्वल टू 1। दिस इज द केस ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ। दिस इज अ स्टेटमेंट विच वी हैव टू अंडरस्टैंड लिटिल मोर केयरफुली। विल गो इन टू सम मोर डिटेल्स ऑफ दिस। भगवान कृष्ण के बारे में बहुत सारे वेदों में, उपनिषदों में हमें समझाते हैं, विशेषकर भगवान कृष्ण के अस्तित्व के बारे में, उनका जो एग्जिस्टेंस के बारे में क्या बोलते हैं। एक उपनिषद, इसका नाम है ईशो उपनिषद, उसमें बोलते हैं, ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रभुपाद जी इधर हमें कोट कर रहे हैं, 1+1 1-1। तो बोलेंगे स्वामी जी क्या है, आपको पता नहीं है ना, 1+1 = 2 होता है, 1-1 = 0 होता है, आपको मैथमेटिक्स पता नहीं है। अब ये बात बोलेंगे आपको, परंतु हमें ये जो प्रभुपाद जी समझाते हैं इधर पे परपट में, 1+1 1-1, ये भगवान के जो परम सत्य का जो अस्तित्व है, भगवान जो पूर्ण भगवान है, लॉर्ड इज कंप्लीट एंड परफेक्ट, वो परिपूर्ण भगवान है भगवान कृष्ण। ये समझाने के लिए प्रभुपाद जी हमें ये एग्जांपल दे रहे हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, लॉर्ड कृष्णा ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। भगवान इतने पूर्ण है, लॉर्ड इज कंप्लीट एंड परफेक्ट। फ्रॉम दिस कंप्लीट एंड परफेक्ट पर्सनैलिटी मेनी कंप्लीट एंड परफेक्ट थिंग्स एमिनेट। जैसे हम जीवात्मा अपने आप में कंप्लीट है ना, हम भी भगवान के अंश हैं, वी आर ऑल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, बट वी आर कंप्लीट एंड परफेक्ट इन अवर एग्जिस्टेंस। वाई, बिकॉज कृष्णा हैज क्रिएटेड अस एंड वी एज लिविंग एंटिटीज, वी आर ऑल इंडिविजुअल लिविंग एंटिटीज, ईच ऑफ अस कैन इन द प्रोसेस ऑफ getting this body, we can, you know, generate so many other jivas as children, again, through the arrangement of Krishna. Right? So, Krishna has created all of us as complete units. Bhagwan ne jo kuch idhar sansar mein, jitne sare jivatma ka srishti kiya hai, sab apne tarike se complete hai. In terms of their, you know, life, living conditions and everything, Krishna has made complete arrangements. Pura complete arrangement Bhagwan ne kiya hai. ऐसा नहीं कि भगवान के अस्तित्व से हम सब निकले हुए हैं तो भगवान का कुछ अभी कमी हो गया है। जैसे हमारा जेब में 1000 रुपीज है तो हमने 100 रुपीज स्पेंड कर लिया तो कितना बचा, ओ 900 रुपीज बचा, 900 रुपये बचा है अभी, विच मीन्स वी आर डिक्रीज इन अवर मनी। कृष्णा इज नॉट लाइक दैट, यू टेक 100 रुपीज, यू टेक 1000 रुपीज अगेन, बट कृष्णा 1000 रुपीज विल बी देयर इन हिज पॉकेट ऑलवेज। That is Krishna. That is the meaning of 1+1 = 1, 1-1. Any number of expansions, Bhagwan ke astitv se kitne bhi jo cheeze niklenge, jise Gita mein aage batayenge, Bhagwan 10th chapter mein, aham sarvasya prabhavah matta sarvam pravartate. All the things what you see in the material world are my energies, Krishna bolte hain. Sab kuch mere abhivyakti hain, sab kuch mere shakti hain. तो भगवान से, शरीर से बहुत सारी चीजें निकल गए हैं तो भगवान का अस्तित्व नहीं है, दिस इज रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग। वॉट एवर एनी अमाउंट ऑफ थिंग्स, एनी नंबर ऑफ लिविंग एंटिटीज कम आउट, एनी अमाउंट ऑफ एक्सपेंशन कम, इतने सारे जो एक्सपेंशन भगवान के आएंगे, अवतार आएंगे, अनलिमिटेड एक्सपेंशन अवतार भगवान के होते हैं। भागवत में बोलते हैं जितने सारे जो समुन्द्र के किनारे पे आप बैठ के गिनते रहेंगे लहरों को, एज मेनी वेव्स आर देयर इन द ओशन,
that many incarnations, which means actually you cannot count the waves, number of waves. That is Krishna's existence. Krishna is always complete and perfect. Any amount of things come out from him, it is complete and perfect. Any things merge with him, he remains complete. जैसे आगे हम देखेंगे, भगवान समझाएंगे, जब विनाश होता है, सृष्टि का विनाश होता है, पूरा संसार का विनाश होता है, तो everything goes and again merges in Krishna's body as in the Mahavishnu form. Even though everything goes and merges, not that he becomes, you know, big and it is again, you know, he is bulging out. No. 1 + 1 = 1. 1 - 1 means as many things come out, Krishna maintains his personality. Many things merge with him, he maintains his personality as complete and perfect personality. That is the point. This is to explain the absolute nature of Krishna. यानी कि भगवान हमारे साधारण तरीके के जो विचार में भौतिक विचार के भौतिक विचार से ऊपर है. परस तस्मात् तु भावो न्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः. भगवान बोलते हैं भगवान का जो अस्तित्व है वो ट्रांसेंडेंटल है, वो दिव्य है, वो पारमार्थिक है. राइट, दिस इज द वन, दिस इज द पॉइंट. नारायणो परो व्यक्तात्. शंकराचार्य जी बोलते हैं भगवान कृष्ण नारायण जो है वो इस भौतिक संसार से परे हैं. He is transcendental. He is not like one of us. His existence is what? He is always complete and perfect. So many innumerable universes are coming out. Innumerable living entities are coming out. Innumerable expansions are coming out. But he remains as such. To give a simple example, Bhagwan, इतने सारे अभी expansions हुए हैं, इतने सारे अवतार हो रहे हैं पूरे ब्रह्मांड, इतने सारे ब्रह्मांड में, फिर भी भगवान कृष्ण अपने गोलोक वृंदावन में स्थित है. This is Krishna. It's like in our case, if we are here, now all of us are, you know, trying to understand Bhagavad Gita. We are sitting in front of our system or mobile and trying to see. We are here, but we are not in our office. We are not in our other room. We are not with our friend. That is our limitation. Whereas Krishna, he is here. He can be in Golok Vrindavan. He can be in other universe. He can be everywhere. Simultaneously, this is Krishna. Ye Bhagavan ka astitva. This is what it means. 1 + 1 = 1. 1 - 1. Because in our case, we are here, but we are not in the next room. Whereas Krishna, he is here, he is there also. He is everywhere also. This is Krishna. This is the absolute nature of Krishna. So, ye mayavadi, jo spiritualists hain, wo samajh nahi paate hain. Right? This is the understanding. The Mayavadis fail to understand the absolute means 1 + 1 = 1, 1 - 1 = 1. This is the case in the absolute world. We'll continue reading. For want of sufficient knowledge in the absolute science, we are now covered with illusion, and therefore we think that we are separate from Krishna. Hamara adhyatmik gyan ka abhav se, we are right now lacking spiritual understanding. Actually, Bhagavan ka Krishna ka jo astitva hai, complete and perfect hai. भगवान परिपूर्ण भगवान है, संपूर्ण भगवान है. हमारा अपरिपूर्ण ज्ञान भगवान के जो कुछ है वो हमारा अपरिपूर्ण ज्ञान की वजह से है, हमारा अज्ञान की वजह से है. द इम्परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंप्लीट परफेक्ट इज आवर इम्परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंप्लीट परफेक्ट. दिस इज द पॉइंट. सो हमारा अभी मोह के प्रभाव में हम क्यों आ गए हैं? Why are we under illusion? Because we don't have complete understanding of Krishna. Or to extend whatever Krishna is explaining to us in the Bhagavad Gita. Gita mein jitna sara Bhagwan hame samjhate hain, utna bhi gyan hame abhi nahi hai. Jo basic things hame Bhagwan samjhana chahte hain. Jaise Prabhupada ji ne bola, abhi hum soch rahe hain, hum Bhagwan ke sath, Bhagwan Krishna ke sath hamara koi sambandh nahi hai. We don't feel connected to Krishna just like we feel connected to our own family members or our friend or our office or our organization. We're not feeling connected like Krishna with Krishna because we don't know about Krishna. We are lacking spiritual understanding about Krishna. That is the point. So as soon as we get this transcendental knowledge through the medium of a bona fide spiritual master, this knowledge will be revealed in our hearts. जब हमें ये आध्यात्मिक ज्ञान एक सदगुरु के माध्यम से हमारा मन में प्रकाशित हो जाएगा, then we will be coming out of this ignorance, coming out of this moha, illusion. That's the understanding. We will move forward. Although we are separated parts and parcels of Krishna, we are nevertheless not different from him. Hum Bhagwan ke ansh hain, hum separated part and parcel hain, parantu hamare aur Bhagwan ka jo quality ek hi hai,
हम भगवान का क्वालिटी में स्पिरिचुअल क्वालिटी एक ही है, वी आर ऑल स्पिरिचुअली वन इन वन सेंस, राइट. द बॉडीली डिफरेंस ऑफ द लिविंग एंटिटीज इज माया और नॉट एक्चुअल फैक्ट. अभी जो जो हम अलग अलग तरीके के बॉडी लिया है, शरीर लिया है, वास्तव में हमारा इच्छा से भगवान ने हमें दिया है. वास्तव में हमारा आध्यात्मिक शरीर है आध्यात्मिक लोक में, वो प्रकाशित होगा जब हम भक्ति शुरू करेंगे. तो वी आर ऑल मेंट टू सेटिस्फाई कृष्णा, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट. सी, पार्ट एंड पार्सल ऑफ अवर बॉडी, वट इज द पर्पज ऑफ योर हैंड, इज मेंट टू सर्व योर बॉडी. वट इज द पर्पज ऑफ योर आईज, इज मेंट टू सर्व योर बॉडी. लाइक वाइज वी पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, द पर्पज ऑफ दिस पार्ट एंड पार्सल इज टू सर्व कृष्णा. भगवान कृष्ण का सेवा नहीं करेगा और कुछ करेगा तो वो वास्तव में अपना अस्तित्व का ठीक से उसका पोजिशन नहीं है, है उसका जो एक्चुअल आइडेंटिटी उसने भूल गया है, ये बात हमें समझना है. बट माया अलोन, बाई माया अलोन अर्जुन थॉट दैट द टेम्पररी बॉडी रिलेशनशिप विद हिज किन्समैन वॉज मोर इम्पॉर्टेंट देन हिज इटर्नल स्पिरिचुअल रिलेशनशिप विद कृष्णा. तो प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दे रहे हैं, अर्जुन का जो विचार क्या था, हाँ, मेरे संबंधी मेरे स्वजन हैं, उनका जो उनको मारना ठीक नहीं है, उनका साथ हमेशा मुझे खुशी से रहना है, आनंद से रहना है, ये विचार जो है वास्तव में वो अर्जुन माया में आ गया था. ऐसे हम सोच रहे हैं ना, ये मेरा परिवार है, मेरे जो रिश्तेदार हैं, हाँ, मेरे समाज है, इनका पूरा ध्यान रखना मेरा कर्तव्य है, ये सब कुछ वास्तव में इल्यूजन है, ये बात हमें समझना है. क्योंकि ये जो इंसिडेंटल सिचुएशंस जो है, एज अ ड्यूटी वे टू टेक केयर ऑफ थिंग्स, नॉट अ डिज एवरीथिंग. आवर एक्चुअल रिलेशनशिप इज विद कृष्णा. दिस इज द रिजल्ट ऑफ योर अवेकनिंग ऑफ योर स्पिरिचुअल नॉलेज. आपको आध्यात्मिक ज्ञान, दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाश हुआ है, यानी कि ये ज्ञान आपको स्पष्ट हो जाएगा. जब तक ये स्पष्ट नहीं होगा कि ये सांदर्भिक है, हमारा जो सर्कमस्टेंशियल है सिचुएशन, हमारा जो फैमिली का, हमारा मुख्य जो संबंध है भगवान कृष्ण के साथ है, राइट. द होल टीचिंग ऑफ द गीता इज टारगेटेड टुवर्ड दिस एंड, विच एंड एट ए लिविंग बींग एज इज इटर्नल सर्विटर कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम कृष्णा एंड ए सेंस ऑफ बींग एन आइडेंटिटी अपार्ट फ्रॉम कृष्णा इज कॉल्ड माया. पूरा गीता का यही सार सर्वस्व है कि हम भगवान के साथ शाश्वत हमारा संबंध है, हम कभी भी भगवान से अलग नहीं हो सकते. हम सोच रहे होंगे हम भगवान से अलग हैं, ये हमारा विचार है, इसी को बोलते हैं माया. हमारा अस्तित्व हमेशा भगवान के साथ संबंधित है, हम भगवान के साथ जुड़े हुए हैं. ये इंपॉर्टेंट ज्ञान हमें ऑलरेडी है हमारा मन में, वो हम भूल गए हैं. उसको फिर से जागृत करना एक गुरु के कृपा से होता है, एक सद्गुरु के कृपा से होता है, श्रील प्रभुपाद जी के कृपा से होता है. द लिविंग एंटिटीज एज सेपरेट पार्ट्स एंड पार्सल्स ऑफ द सुप्रीम हैव अ पर्पस टू फुलफिल, है ना. इसे प्रभुपाद जी ने क्या बोला कि पार्ट एंड पार्सल हम भगवान के अंश हैं, तो हम भगवान को सेटिस्फाई करना है, तो हमारा एक पर्पस है जीवन का. हम अभी क्या सोच रहे हैं, हमारा पर्पस है मेरा फैमिली का देखभाल करना, मेरा सोसाइटी का देखभाल करना, उसी में हम लग गए हैं. जो भगवान कृष्ण को संतुष्ट करना है, भगवान कृष्ण का जो सेटिस्फाई करने का जो बात अभी भूल गए हैं. तो इसलिए भगवान क्या बोलते हैं, यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन, राइट. तो द लिविंग एंटिटीज हैव सेपरेटेड पार्ट्स एंड पार्सल्स हैव अ पर्पस टू फुलफिल, द पर्पस इज टू सर्व कृष्णा. हैविंग फॉरगॉटन दैट पर्पस सिंस टाइम इमेमोरियल they are situated in different bodies as men, animals, demigods, etc. Such bodily differences arise from forgetfulness of the transcendental service of the Lord. So, hamara alag alag sharir lene ka karan kya hai? Prabhupada is giving a very wonderful reason. The reason is we have forgotten Krishna, having forgotten Krishna. Our forgetfulness is the cause of our suffering now. Forgetfulness means we are ignorant, no understanding of we are part and parcel of Krishna. So this knowledge is, when it is again revealed to you, again awakened in us, जब ये ज्ञान फिर से हमें साक्षात्कार होगा, जागृत होगा सदगुरु के श्रील प्रभुपाद जी के कृपा से, तो हम हमारा जो वास्तविक जो अस्तित्व है उससे फिर से हम वापस आ जाएंगे. Our real situation we come back to. Otherwise, we'll go on continuing our material existence, taking different bodies. प्रभुपाद जी बोल रहे हैं इधर, कभी मनुष्य का जन्म लेके, कभी पशु का जन्म लेके, कभी देवता बनकर, कभी एक पेड़ पौधा बनकर हम जन्म लेते रहे हैं. 84 लाख योनियों में हमारा पूरा जीवन शरीर हम लेते जा रहे हैं, भटक रहे हैं पूरा. तो ये वास्तव में हमारा अस्तित्व नहीं है, अलग अलग शरीर. वी आर टेकिंग डिफरेंट बॉडीज बेस्ड ऑन अवर ओन डिजायर्स टू एंजॉय द मटेरियल वर्ल्ड.
ये बॉडीली डिफरेंस क्या है, अलग अलग शरीर क्यों, क्या है वास्तव में, भगवान को हम भूल गए हैं इसलिए हम शरीर ले रहे हैं। जब भगवान को फिर से याद कर लेंगे, भगवान का सेवा करना शुरू कर देंगे तो भगवत धाम लौट जाएंगे। तो ये सीक्रेट अभी प्रभुपाद जी में समझा रहे हैं। बट वेन वन इज एंगेज इन ट्रांसेंडेंटल सर्विस थ्रू कृष्णा कॉन्शियसनेस, वन बिकम्स एट वंस लिबरेटेड फ्रॉम दिस इल्यूजन। जब हम भगवान के शुद्ध भक्ति का मार्ग जो प्रभुपाद जी में समझाते हैं उसमें लग जाएंगे, when we engage ourselves with Krishna consciousness, then we become liberated from this illusion. Abhi jo maya ka moh ka jo prabhav hame hua hai, is all moha, different bodies you are taking is all one type of illusion. We'll come out of this illusion and become situated in actual situation of being eternally serving Krishna. Isliye bhagwan kya bolte hain 9th verse mein is chapter ka, tyaktva deham punarjanmaneti mameti so arjuna, aapko ye sharir chhodne ke baad fir se ek aur sharir nahi milne wala hai, aapko adhyatmik log ho jayenge aap. Which means you are out of illusion, out of this material world. One can acquire such pure knowledge only from the bona fide spiritual master. देखिए प्रभुपाद जी स्पष्ट बोल रहे हैं, ऐसा जो दिव्य ज्ञान है, हम भगवान से संबंधित है, भगवान का सेवा करना हमारा वास्तव स्थिति है, ये सभी ज्ञान हम केवल एक सदगुरु के माध्यम से, बोना फाइड स्पिरिचुअल मास्टर के माध्यम से ही प्राप्त कर सकते हैं. And thereby avoid the delusion that the living entity is equal to Krishna. एक और जो अभी प्रभुपाद जी में समझा रहे हैं बात, कि कुछ आध्यात्मिकवादी बोलते हैं हम भगवान के साथ समान हैं, मायावादी बोलते हैं इसे, हम भगवान के साथ कभी समान नहीं हो सकते. वी आर स्मॉल लिविंग एंटिटीज अणु, भगवान विभू, भगवान इज वास्ट. जैसे समुद्र का छोटा सा एक पानी का बूंद और समुद्र का पानी, कैन यू कंपेयर? नो कंपेरिजन इन क्वान्टिटी. यस डेफिनेटली क्वालिटेटिवली, क्वालिटी वाइज अ ड्रॉप ऑफ वाटर इज सेम एज the ocean water, the chemical composition is all same, but quantity wise we are different. We can never be equal. Krishna is always supreme lord, we are small living entities, anu living entities, infinitesimal living entities. Perfect knowledge is that the supreme soul Krishna is the supreme shelter of for all living entities, and giving up such shelter the living entities are deluded with the material energy, imagining themselves to have a separate identity. Ye paripurna gyan hai. परफेक्ट नॉलेज क्या है, कि वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, वी आर ऑलवेज अंडर द शेल्टर ऑफ कृष्णा, एंड बिकॉज वी हैव फॉरगॉटन कृष्णा नाउ वी आर थिंकिंग दैट वी डोंट हैव कनेक्शन विद कृष्णा एंड हैव अ सेपरेट आइडेंटिटी. यही बात को उपनिषदों में प्रभुपाद जी हमें एग्जाम्पल देते हैं, नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम विरधाति कामान. एक नित्य, एक चेतना, असंख्यात नित्य, असंख्यात चेतनाओं का पालन कर रहे हैं. एको बहुनाम विरधाति कामान, वन नित्य वन चेतना इज टेकिंग केयर ऑफ इन्यूमरेबल लिविंग एंटिटीज एंड फुलफिलिंग ऑल देयर नीड्स. दैट इज कृष्णा. व्हाट इज कृष्णा डूइंग? सी सो मेनी लिविंग एंटिटीज देयर आर देयर अराउंड अस, सो मेनी बर्ड्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, एवरीबॉडी इज गेटिंग देयर नो नेसेसिटी ऑफ लाइफ. हु इज प्रोवाइडिंग? कृष्णा इज प्रोवाइडिंग. वी आर नॉट प्रोवाइडिंग, वी आर नॉट हैविंग एनी फैसिलिटी टू प्रोवाइड देम. वी आर स्ट्रगलिंग टू प्रोवाइड अवर सेल्फ इन द ह्यूमन सोसाइटी. मानव समाज में इतना हमारा जो प्रयत्न हो रहा है पूरा मानव समाज को ठीक से रखने के लिए, whereas we are not even concerned or bothered about other living entities. Krishna is taking care. That's the point. Thus, under different standards of material identity, they become forgetful of Krishna. When, however, such deluded living entities become situated in Krishna consciousness, it is to be understood that they are on the path of liberation, as confirmed in the Bhagavatam. Muktir hitvanyatha rupam स्वरूपेण व्यवस्थिति ही. Liberation means to be situated in one's constitutional position as the eternal servitor of Krishna. This is a very important statement Prabhupada is making, that what is mukti? Mukti means to be again situate yourself in your real situation, normal situation, that I am servant of Krishna. Muktir hitva anyatha rupam. अभी हम क्या हो गया है हमारा जो situation, anyatha रूप, अलग अलग शरीर लेके हम इधर पूरा ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहे हैं. वी आर वॉन्डरिंग इन द यूनिवर्स टेकिंग डिफरेंट बॉडीज इन द मेटीरियल वर्ल्ड. सो मुक्ति मीन्स टू कम आउट ऑफ दिस वॉन्डरिंग इन द मेटीरियल वर्ल्ड टेकिंग डिफरेंट बॉडीज एंड सिचुएट अवर सेल्फ एज इटर्नल सर्विटर्स ऑफ कृष्णा. मुक्ति यानी कि फिर से हम हमारे वास्तविक स्थिति जो है भगवान के नित्य दास, भगवान के अच्छे भक्त बन के फिर से हमारा स्थिति, फिर से हम वो स्थिति में वापस आ जाएंगे, उसको मुक्ति बोलते हैं.
Right? There's no other meaning, other definition of mukti. It's a very wonderful definition of mukti, which Krishna is explaining in Bhagavatam. And also here Prabhupada is quoting that mukti ritva nita rupam. Koi alag dusra uska jo paribhasha nahi hai, uska definition nahi hai mukti ka. Jab hum fir se hamara vastavik sthiti mein laut jayenge. And Krishna consciousness, bhakti ka jo marg hai, hame is position ko leke aane mein kafi saral tarike se hum is position mein leke aane mein wo madad karega. That is the whole point. Right? So when you situate yourself in Krishna consciousness means chanting Hare Krishna every day, reading Bhagavad Gita every day, offering food and having only Krishna prasadam every day, worshipping Krishna in whatever best way possible. This is called situated yourself in Krishna consciousness. Prabhupada ji bol rahe hain, hame apne aap ko Krishna consciousness mein situate hona karna hai. Krishna consciousness means every moment you are thinking of Krishna. Kis tarike se Bhagwan Krishna ka seva kare hain, Bhagwan ke jo smaran hamesha hamara man mein rakhe, isko Krishna consciousness bolte hain. Jab Krishna consciousness mein rakhne ka rehne ka hamara पूरा कोशिश रहेगा, पूरा चेष्टा रहेगा, तो हम ऑलरेडी पाथ ऑफ लिबरेशन में हैं. वी आर ऑन द पाथ ऑफ लिबरेशन. दैट इज द पॉइंट. दिस इज द एडवांटेज ऑफ ट्रांसेंडेंटल नॉलेज. सो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज विल पुट अस ऑन द पाथ ऑफ लिबरेशन ऑफ इन द प्रॉपर वे दैट वी ऑलवेज आर इन कृष्णा कॉन्शियसनेस. दैट इज द अंडरस्टैंडिंग विच वी कैन टेक फ्रॉम दिस वर्स. विल मूव टू द नेक्स्ट वर्स नाउ. वर्स नंबर 36. And what is the further, wonderful effects, wonderful glories of this transcendental knowledge? ये जो आध्यात्मिक ज्ञान का, दिव्य ज्ञान का जो महिमा क्या है, और हमें आगे भगवान बताएंगे. अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजनं संतरिष्यसि. The translation is, even if you are considered to be the most sinful of all sinners, when you are situated in the boat of transcendental knowledge, you will be able to cross over the ocean of miseries. Very wonderful statement. ऐसे नहीं सोचना कि हम इतना सारा पाप कर लिया हमारा जीवन में, हमें कुछ है क्या, होप है? I'm so hopeless. Somebody may think like that. Don't worry. Krishna is giving assurance here. Even if you are considered the most sinful of all sinners, आप अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः, आप इतने बड़े पापी भी हो, फिर भी जब आप इस आध्यात्मिक ज्ञान के आश्रय में आ गए हैं, आध्यात्मिक ज्ञान के जो नाव के आश्रय में आ गए हैं, तो आप इस भौतिक बंधन के भवसागर से बाहर निकल जाएंगे. विच मीन्स समहाउ वी हैव टू एंडेवर टू टेक शेल्टर ऑफ दिस बोट ऑफ ट्रांसेंडेंटल नॉलेज. सर्वम ज्ञान प्लवे नैव, ये जो ज्ञान का नाव है इसका आश्रय हमें लेना है. हाउ टू टेक द शेल्टर ऑफ ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, बोट ऑफ ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, बाय टेकिंग शेल्टर ऑफ बोनोफाइड स्पिरिचुअल मास्टर. हम जब सदगुरु के आश्रय में आ जाएंगे तो अपने आप वो हमें ज्ञान प्रदान करेंगे. सदगुरु का आश्रय में आने का अर्थ यही है कि हम विनम्रता से, सेवा भाव से उनका शरणागत ले रहे हैं. तो इस भावना में हम जब सदगुरु का आश्रय में आएंगे तो वो हमें ज्ञान देंगे, दिव्य ज्ञान, हृदय प्रकाशितो, दिव्य ज्ञान प्रदान करेंगे. और इस तरीके से हम इस भौतिक बंधन का, भौतिक जो भवसागर से हम बाहर निकल सकेंगे. वृजिनः वृजनम संतरिष्यसि, इस भौतिक इस जगत को, संसार को भवसागर बोलते हैं, ओशन ऑफ मिजरीज. तो दिस इज द पॉइंट. वेरी नाइस ग्लोरी ऑफ ट्रांसेंडेंटल नॉलेज. राइट, समहाउ यू टेक शेल्टर ऑफ दिस ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, बिकॉज राइट नाउ वी इन द इग्नोरेंस. हम अभी अज्ञान में हैं, अज्ञान के जो अंधकार में है अभी. ओम अज्ञान तिमिरांधस्य, जैसे हम गुरु सदगुरु के प्रार्थना क्या करते हैं, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः. हम अज्ञान के इस अंधकार में ऐसे फंसे हुए हैं, हमें कुछ रास्ता नहीं दिख रहा है, तो गुरु सदगुरु जो है श्रील प्रभुपाद जी हमें एक टॉर्च लाइट देते हैं, हमें रास्ता दिखाने के लिए, हमें मार्गदर्शन करने के लिए. ज्ञानांजन शलाकया, एक रास्ता देने का एक हमें एक लैंप देते हैं जिसे हम ठीक से आगे बढ़ सकें. ऐसे गुरु का मेरा पूरा नमन है, ये हम सदगुरु का प्रार्थना में हमें स्मरण करना है. इस तरीके से जब हम सदगुरु के आश्रय में आ जाएंगे, श्रील प्रभुपाद जी के आश्रय में आ जाएंगे, तो अपने आप
प्रभुपाद जी हमें ज्ञान प्रदान करेंगे। किस तरीके से ज्ञान प्रदान करेंगे? जब हम उनका इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे, चैंटिंग हरे कृष्णा, रीडिंग भगवत गीता, टेकिंग ओनली प्रसादम एंड वर्शिपिंग कृष्णा। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कृत, ये फोर प्रिंसिपल्स भगवान दो बार रिपीट करते हैं गीता में, और यही बात प्रभुपाद जी ने हमें सिखाया समझाया। बस इसे करने से हमारा लाइफ परफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वेन यू कम अंडर द शेल्टर ऑफ प्रभुपाद देन योर लाइफ इज परफेक्ट। We read the short purport, very wonderful purport. Proper understanding of one's constitutional position in relationship to Krishna is so nice that it can at once lift one from the struggle for existence which goes on in the ocean of nescience. हमें ठीक से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। आध्यात्मिक ज्ञान, पूर्ण ज्ञान क्या है, परिपूर्ण ज्ञान क्या है, जब हम समझ पाएंगे, हम समझ लिया हमने कि हमारा वास्तविक स्थिति, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ये है कि हम भगवान के साथ संबंधित हैं, भगवान के साथ हमारा संबंध शाश्वत संबंध है, हम भगवान के अंश हैं, हम भगवान के नित्य दास हैं। इतना ही समझने से हमारा इस भौतिक संसार से हम बाहर निकल जाएंगे। द होल प्रोसेस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस इज टू ब्रिंग अस टू दिस पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड वर्किंग इन दैट अंडरस्टैंडिंग, एक्टिंग इन दट अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि हम जिस प्रकार के जो विचारधारा हमारा मन में रहता है उस प्रकार से हम कार्य करते हैं। हमारा मन में भगवान कृष्ण का जो संबंध ज्ञान नहीं है तो हम सोचेंगे हम इस परिवार के संबंधित हैं, हम इस सोसाइटी से संबंधित हैं, तो हम उनके लिए काम करना है, उनके लिए कार्य करना है। जब हम समझ लेते हैं कि भगवान कृष्ण के साथ हमारा संबंध है, शाश्वत संबंध है, तो भगवान कृष्ण के लिए संबंध, भगवान कृष्ण के लिए हमारा कार्य करेंगे, भगवान कृष्ण का परिवार का साथ हम कार्य करेंगे। ये बात है। सो दिस इज द इजिएस्ट वे टू लिफ्ट अस आउट फ्रॉम द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस फ्रॉम दिस ओशन ऑफ नेसाइंस, इस भवसागर से, इस अंधकार का जो जगत से, इस अज्ञान का सागर से बाहर निकलने के लिए हमें एकमात्र साधन क्या है, हमें ये आध्यात्मिक ज्ञान हमारे हृदय में प्रकाश होना है। जब हम श्रील प्रभुपाद जी के शरण में आ जाते हैं, तो चरण में आना का अर्थ है उनका इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे। तो दिस मेटेरियल वर्ल्ड इज समटाइम्स रिगार्डेड एज एन ओशन ऑफ नेसाइंस एंड समटाइम्स एज ब्लेजिंग फॉरेस्ट फायर। कभी कभी इस भौतिक संसार को एक अज्ञान का महासागर, भवसागर के रूप में उसको कंपेयर करते हैं कभी कभी, और कभी कभी इसको संसार दावानल, ब्लेजिंग फॉरेस्ट के समान उसके भी उसका समानता करते हैं। दोनों ठीक है, दोनों एक तरीके से भवसागर, यानी कि इतना बड़ा सागर में जब हम गिर गए हैं बीच में, इज नो होप फॉर डिलीवरेंस। और जब एक दावाग्नि, दावानल, जैसे जंगल में दावानल होता हो जाता है कभी कभी, बीच में फंस गए हैं तो बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। आइदर इन द मिडल ऑफ ओशन और इन द मिडल ऑफ एनी फॉरेस्ट फायर, देयर इज नो होप फॉर डिलीवरेंस फॉर अस, दैट्स द पॉइंट। रूपा जी समझा रहे हैं इधर, इन द ओशन हाउएवर एक्सपर्ट ए स्विमर वन मे बी, the struggle for existence is very severe. मैं बहुत बड़ा स्विमर हूँ, मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ ओलंपिक्स में, आप समुद्र के बीच में पड़े जाएंगे तो कोई रास्ता नहीं बचने का, समुद्र इतना विशाल है, इतना अगाध है, सो वास्ट ओशन, यू कैनॉट से आई एम एक्सपर्ट स्विमर, नो, हाँ, इट इज द सिचुएशन विल बी वेरी सीवियर, बहुत गंभीर परिस्थिति हो जाता है। इफ समवन कम्स फॉरवर्ड एंड लिफ्ट्स अ स्ट्रगलिंग स्विमर फ्रॉम द ओशन, ही इज द ग्रेटेस्ट सेवियर। कोई उस जब कोई हम समुद्र के बीच में गिर गए हैं, हमारा जो अपना शक्ति से, स्वशक्ति से हम समुद्र को पार नहीं कर पाएंगे, हम इस भौतिक संसार में ऐसे गिर गए हैं, कोई ऊपर से आके हमें उठा लेगा तो इतना बड़ा जो हमारा उद्धार हो जाएगा। यही बात प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, भगवान का जो दिव्य ज्ञान है, शुद्ध भक्त जो है हमें इस भौतिक भवसागर से उठाते, हमें एक रस्सी देते हैं, खाली हमें पकड़ के उन्हें ऊपर आ जाना है बस। Perfect knowledge received from the Supreme Lord is the path of liberation. So, शुद्ध भक्त जो हैं, अपने संस्था के द्वारा, अपने संस्था के माध्यम से हमें रस्सी भेज रहे हैं हर समय, पकड़ो पकड़ो बोल के, हम पकड़ नहीं रहे, बस हम सोच रहे हैं हम स्ट्रगल करेंगे, हम इधर ही रहेंगे, इधर ही करेंगे, पूरा लाइफ में पूरा स्ट्रगल करते रहेंगे, ये हमारा सिचुएशन हो गया। जल्दी से जल्दी हमें रस्सी पकड़ना है, बाहर निकलना है, बस दैट इज द पाथ ऑफ लिबरेशन। The boat of Krishna consciousness is very simple, but at the same time, the most sublime. तो ये जो भगवान के शुद्ध भक्ति का
मार्ग जो है ये इतना सरल है और एकदम ये पारमार्थिक है। ऐसा नहीं सोचना कि ओ हमें इतना प्यूरिफिकेशन होना है उसके बाद हम नेक्स्ट लेवल पे आएंगे इसके बाद, ये श्लोक का यही अर्थ है कि अपि चेद असि पापेभ्यः, हम कितने भी बड़े पापी हो, सबसे बड़े पापी हो इस संसार में, फिर भी हमारा उद्धार अवश्य होगा, ये अश्योरेंस है। इट्स अ ग्रेट होप फॉर एवरीबॉडी बिकॉज ईच ऑफ अस वुड हैव डन सो मेनी सिंफुल एक्टिविटीज, माउंटेन्स ऑफ सिंफुल एक्टिविटीज, बट द ग्रेट होप विच कृष्णा इज गिविंग इन दिस वर्स इज somehow you take shelter of a pure devotee who can give you transcendental knowledge, you will be liberated from this ocean of suffering. Because every sinful action will again entangle us to so many vicious cycles of continuation of our material life. ये हमने समझा है, जब पाप कार्य करेंगे उसका reaction जो है हमें इस भौतिक संसार में फिर से बार बार जन्म लेने का, हाँ जो है वो भौतिक संसार में हमारा जीवन continue होने का हो जाएगा। So the whole point we have understood is the action reaction cycle of different things we are doing, sinful activities, is the reason for our entanglement in the material. This bhautik sansar ka jo hamara mukhya karan kya hai, hamara paap karma karne ka karan hai. To bhagwan bol rahe hain aap kitne bhi papi ho keval shuddh bhakt ka aashray lijiye. Bhagavat mein ek shlok hai, bahut badhiya shlok hai, Prabhupada ji often quote karte hain humko, kirat phulandra pulinda pulkasha आभीर शुंभा यवनाक साधे ये निये च पापा शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः, ये निये च पापा यदपाश्रयाश्रयः शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। ये शुद्ध भक्त का जो पावर पोटेंसी के बारे में समझाते हैं इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी, बोलते हैं कि शुद्ध भक्त इतना पावरफुल है, इतना शक्तिशाली है कि कितने भी अधम व्यक्ति हो इस संसार में, उसका डिस्क्रिप्शन देते हैं, किरात हून अंध्र पुलिंद पुलकश, ये सब एक अधम जाति के लोग हैं, मनुष्य हैं, ये सब केवल शुद्ध भक्त के आश्रय में आ गए, तपाश्रय आश्रय शुद्ध्यंते तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। शुद्ध भक्त का शक्ति इतना है क्योंकि वो भगवान कृष्ण से उनका शक्ति, वो शक्त्यावेश हो गए, वो एम्पावर हो गए हैं, कृष्णा शक्ति बिना नारे तारे प्रवर्तन, भगवान कृष्ण उनको इतना एम्पावर कर दिया है शुद्ध भक्त को कि वो कितने भी बड़े पापी को वो उद्धार कर सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु का यही तत्व था, पापी चापी जटा छिलो हरि नामे उद्धारी लो। चैतन्य महाप्रभु क्यों आए, अवतरित हुए, सभी तरीके के पापी को उद्धार करने के लिए आए, केवल हरिनाम संकीर्तन प्रचार करते। जैसे प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त सदगुरु पाश्चात्य राष्ट्र में गए, वेस्टर्न कंट्रीज में गए, अमेरिका में गए, इस जगह पे गए, इतना it was a very degraded condition, very you can say the most worst condition in the whole world, aise jagah pe gaye Prabhupada ji aur udhar pe sab logo ko udhar kiya unhone, to ye example hai, wo aap kitne bhi papi ho, is not that we are hopeless, no, even that hopeless can become very hopeful by the mercy of a pure devotee because he will bestow you transcendental knowledge. ye krishna consciousness ka special jo benefit hai is kaliyuga mein through the mercy of Srila Prabhupada, right? The boat of Krishna consciousness is very simple. Best way to adopt. Hare Krishna chanting, mushkil nahi hai. Prasad lena, mushkil nahi hai. Gita padhna, mushkil nahi hai. So, ye itna aasan tarika hai, parantu iska effect jo hai, very sublime. Sublime means, it will elevate you from the lowest condition to the highest condition. So, physics mein, hum sublimation ka jo ek principle padhte hai. A particular product, say item, can go from one state to other state. From solid state to liquid state to gaseous state. That is called gradual change of state. Whereas with Krishna consciousness, directly from solid state or very gross state, इतना सारा अधम जो है पाप जीवन जीवन का जो स्थिति है, हम एकदम transcendental में पहुंच जाएंगे, एकदम जो है highest level भी पहुंच सकते हैं. This is the point which Prabhupada is making. Okay, so like this we can see the glories of transcendental knowledge Krishna is going to describe in the rest of this chapter very wonderfully, very nicely. We'll read the remaining verses in the next sessions. So any questions? If there are no questions, so we'll continue our session next Friday with the glories of transcendental knowledge. Thank you everybody for participating in today's session. Hare Krishna.